नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में खाद और उर्वरकों की आपूर्ति की समीक्षा, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। अतिक्रमण पर एसएसपी अजय सिंह का एक्शन, अतिक्रमण करने वालों पर चला कानून का डंडा, पहली बार देहरादून में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। हरिद्वार में क्रिकेट पिच और ग्राउंड तैयार, एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन में पिच तैयार, एसएसपी का हुआ भव्य स्वागत। हल्द्वानी में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, एसटीएफ और आबकारी विभाग ने की छापेमारी, भारी मात्रा में नकली शराब की अनाज। और रायवाला में जमीनी विवाद में कार सवारों ने की फायरिंग, हवा में तमंचा लहराते हो गए फरार, रायवाला के निकट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों को वितरित की जाने वाली खाद और उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को खाद और उर्वरकों के वितरण के संबंध में जानकारी ली और वितरण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद और उर्वरक वितरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक की वितरण की व्यवस्था के साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराई जाए। जिस क्षेत्र में जिस समय फसलों की बुआई का काम किसानों के द्वारा किया जा रहा हो, वहां प्राथमिकता से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ विभागीय मंत्री ने कृषि और उद्यान विभाग के समूह ग के रिक्त पदों के परिणामों को शीघ्र जारी किया जाए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित SBI एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस के पदाधिकारियों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के फसल बीमा का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अधिक से अधिक किसान फसल बीमा का लाभ ले सके, इसके लिए किसानों के साथ संवाद पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि DAP खाद की कोई कमी नहीं है और आवश्यक उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और केदारनाथ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 57.64% हुआ मतदान, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी पोलिंग बूथों पर हुआ शांतिपूर्ण मतदान, 6 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में हुआ कैद। बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांत से आशुतोष भंडारी, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, RP सिंह और प्रदीप नेड़ा चुनाव। 23 नवंबर को होगी मतगणना। उपचुनाव के लिए बनाए गए थे 173 मतदान केंद्र। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, मतदान प्रतिशत कम होने से प्रत्याशियों की बढ़ी चिंता। जीत हार को लेकर गुणा भाग में जुटे प्रत्याशी, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। पिछले 2 उपचुनावों में बीजेपी को करना पड़ा था हार का सामना। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव फतह करना बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान, तो कांग्रेस के लिए होगी संजीवनी बूटी। बीजेपी अपना कब्जा रखेगी बरकरार या फिर कांग्रेस की झोली में जाएगी केदारनाथ सीट। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 57.64% हुआ मतदान, सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ है। 6 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। बीजेपी से आशा नोटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांत से आशुतोष भंडारी, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप ने लड़ा चुनाव। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर, उपचुनाव के लिए बनाए गए थे 173 मतदान केंद्र। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का जो है कल संपन्न हो चुका है पूरी तरह से, अब 57.64
के आसपास ये वोटिंग प्रतिशत रहा है। बताया जा रहा है जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम ये उपचुनाव में मतदान किया गया है, प्रत्याशियों की चिंताएं बढ़ गई है, क्या लगता है? नहीं, उपचुनाव था और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि वहां पर कहीं ना कहीं एक मौसम का बड़ा रहा मार थोड़ी सी पड़ी जरूर पड़ी है, क्योंकि सुबह और शाम की ठंड जो होती है वहां कहीं ना होता है, जब बीच का टाइम था 11 बजे से और 3 बजे तक का, तब मतदान ठीक ठाक तरीके से हुआ है। तो कुल मिला के हम कहें आपको कि कुल मिला के भले चिंता बड़ी है प्रत्याशियों की, पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो आंकड़े या जो चीजें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता का पार्टी के पक्ष में ये जो सर्वे है या जो लोगों की राय जो सुनने को मिल रही है, मतदान खत्म हो गया उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को सफा मिल सकती है, मिल सकती है। तो कुल मिला के कहें दोनों पार्टियों ने जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया है। लगातार हम देखते रहे कि दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी, वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और दोनों में ही सीधा मुकाबला है। और अब परसों जो मतगणना होगी तब उसमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें दोनों ही अभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के लोग हैं, वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले दो सीटों पर उपचुनाव की बात की जाए तो वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, निराशा हाथ लगी थी। अब ये सीट जो है बीजेपी के लिए जितना पूरी तरह से जो है एक साख का सवाल बनी पड़ी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा है कि संजीवनी का काम करेगी अगर कांग्रेस इस सीट पे जीत हासिल करके आती है। संदीप, अगर दो चुनाव की पिछले कह रहे हैं, उपचुनाव की बात करें, मंगलोर एक ऐसी सीट थी जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है और वहां आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती जब से हमारे राज्य का गठन हुआ, और मंगलोर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज तक जीत नहीं पाया। कांग्रेस और भाजपा के ही प्रत्याशी वहां पर जीते हैं, पर इस बार भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा, जो जीत हार अंतर था बहुत ही कम संख्या में रहा। साथ ही हम बद्रीनाथ की बात करें, वहां जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस दो उपचुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं सबक लिया है और पूरी ताकत कहें, पूरा अमला जो है कहें तो संगठन का, और जितने भी मंत्री थे और जब भी सभी लोग थे, पूरी तरह से उन्होंने पहले ही वहां पर केदारनाथ की उपचुनाव के लिए जुट गए थे। लगातार उनका यही था कि इस बार किसी भी हालत में कोई कसर नहीं छोड़नी है और ये चुनाव हर हालत में जीतना है। जिस तरह से कमल चुनाव प्रचार के दौरान चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चाहे बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों को, सब एक बात कहते जरूर नजर आए कि जिस तरह से केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बाद पीएम मोदी ने जिस तरह से वहां पे जाके खासा उनका ध्यान केदारनाथ की तरफ रहा है, उससे काफी लोग भी पहुंचे और हम देखा है कि वहां पे पर्यटन का भी काफी विकास हुआ है, लोगों का रुख भी केदारनाथ की तरफ हुआ है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं क्या लगता है उस पर छाप छूटेगी सबकी? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि चुनाव बड़ा है, यहाँ पर कांटे के मुकाबला था, लेकिन लास्ट के दो तीन दिन कहें वो कहीं ना कहीं जो वहां मुझे लगता है कि लास्ट के दो तीन दिन का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं बाजी नजर आती है, लगता है चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा की ओर मुड़ा है लास्ट के अंतिम दिनों में। जो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, जैसे अन्य लोगों कह रहे हैं, स्थिति वही थी वही हम देख रहे हैं कि अंतिम दो दिनों में कहीं ना कहीं चुनाव में परिवर्तन हुआ है, और वही अब देखना है जो दावे जिस हिसाब से किए जा रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे आंकड़े हैं, जिस हिसाब से हमारे सर्वे हैं, अब उस पे 23 तारीख कितनी मोहर लगती है, वहां की जनता कितनी मोहर लगाती है। पर ये कहें कि जो मुकाबला था वो बहुत कांटे का था, पर अंतिम दिनों में कहीं ना कहीं जो है मुझे हल्का सा कांग्रेस का पिछड़ती नजर भी आई। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। SSP प्रवीण सिंह डोभाल समय समय पर अपने अधीनस्थों के जीवन स्तर, रहन सहन, खेल गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। SSP के नेतृत्व में पुलिस लाइन में टॉप लेवल की क्रिकेट पिच और ग्राउंड तैयार करवाना, कई थानों के बैरक और शौचालयों का उच्चीकरण करने जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में SSP प्रवीण सिंह डोभाल के प्रयासों से जनपद हरिद्वार के थाना प्रभारी में थाना पथरी में महिला पुरुष बैरक भोजनालय और थानाध्यक्ष कार्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य सकुशल संपन्न हुआ। थानाध्यक्ष पथरी रविंद्र कुमार द्वारा बड़े स्तर पर हुए इस जीर्णोद्धार के दौरान छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखते हुए थाना स्तर पर SSP के कुशल नेतृत्व में निर्धारित मानकों का ध्यान रखते हुए बेहतरीन क्वालिटी का कार्य करवाया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में SSP डोभाल ने SP देहात स्वपन किशोर सिंह और CEO ट्रैफिक नताशा सिंह की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर विधि विधान से नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर SSP का भव्य स्वागत किया गया। SSP परमेंद्र डोभाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों और थाना कर्मचारियों के हित के लिए हर संभव कार्य लगातार जारी रहेंगे। थाना पथरी में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। इसमें उसका रेनोवेशन और उसके बाद जो महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उच्चीकरण का हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और इसी संबंध में कल भगवानपुर में भी हम लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया था। सभी थाना प्रभारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, इस बदलते हुए दौर में जो हमारे कर्मी हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जो हमारे खासकर जो उनके शौचालय हैं और जो उनके रहने के लिए जो बैरिक्स हैं उनका उच्चीकरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से सभी को डायरेक्शन भी दिया गया है और थाना प्रभारी इसको लगातार कार्य कर रहे हैं। और आज इसी की आज एक परिणति थी जिसमें हमारे थाना प्रभारी पथरी ने इसमें एक अच्छा कार्य करते हुए महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके उच्चीकरण का प्रयास किया था। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अतिक्रमण पर SSP का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, अतिक्रमण पर SSP अजय सिंह का एक्शन। अतिक्रमण करने वालों पर चला कानून का डंडा। SSP अजय सिंह के निर्देशों पर अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण पर दून पुलिस की चौतरफा कार्रवाई। पहली बार देहरादून में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किए मुकदमे दर्ज। मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के पुलिस एक्ट में काटे चालान। दुकानों पर कार्य कर रहे लोगों के सत्यापन न करवाने पर दुकानदारों के काटे चालान। अस्थाई अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। हल्द्वानी में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने मुखानी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल और उपकरण बरामद किए हैं। मौके से नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी नकली शराब बनाने के प्रकरण में जेल गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग ने गणपति विहार में घर में छापेमारी की तो वहां एल्कोमीटर से लेकर नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री मिली है। इसके अलावा नकली शराब भी बड़े पैमाने पर तैयार मिली, साथ ही होलोग्राम व अन्य सामान भी आबकारी विभाग में जब्त किया है।
एसटीएफ की सूचना और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा तीनों द्वारा संयुक्त रूप से गणपति विहार है कमलवा गांजा के पास, वहां पे दबिश दी गई। दबिश में पता चला कि वहां पे एक पूर्व में भी पकड़ा गया व्यक्ति है विशाल मंडल करके, जिसको 3-4 बार पकड़ा गया है। वो उसका मतलब काम ही यही है कि वो नकली शराब बनाता है। तो वहां पे दबिश दी गई, तो दबिश में एक उसके वहां से एक अल्कोहल मीटर मिला है, तैयार माल मिला है लगभग 221 पौए, बाकी खाली पौए की पेटियां हैं, कार्टन हैं और एक फिल्टर है जिससे वो ये सब है, लेबल है जो कि गलत तरीके से कुटचित है। ये बेचने का इसका ये था कि ये उधम सिंह नगर और लालकुआं क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ये पहले भी लालकुआं उधम सिंह नगर क्षेत्र में पकड़ा गया है, तो वहीं बेचता था अपना। पर शराब बना रहा था एकदम घटिया नकली लेवल की। इसमें जो इसके होलोग्राम और स्टिकर मिले हैं वो कूट रचित हैं, मतलब उसको इसने फर्जी रूप से बनाया है, जिसलिए हमने अपनी तरफ से तहरीर भी दे दी है मुखानी थाने। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए, इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही है। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, नैनीताल से आ रही है। नैनीताल पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काट गोदाम पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 12 घंटे के अंदर चोरों को पहुंचाया जेल। 7,90,000 रुपए का सामान हुआ बरामद। मकान स्वामी की गैर मौजूदगी में घटना को दिया था अंजाम। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने किया मामले का खुलासा। पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं शातिर चोर। अपराधियों के संबंध में जुटाई जा रही जानकारी कहना है SSP प्रहलाद मीणा का। SSP ने काट गोदाम पुलिस को दी शाबाशी। काट गोदाम के डमाडोंगा क्षेत्र में एक परिवार के बाहर जाने पर उनके घर में चोरी की गई और उनके द्वारा बताया गया उनके घर का कुछ घरेलू सामान और कुछ जेवरात जो है वो चोरी कर लिए गए हैं। तो इसमें थाना काठगोदाम में FIR पंजीकृत की गई और FIR पंजीकृत करने के बाद में दो काठगोदाम थाना अध्यक्ष दीपक बिष्ट उनके नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और इस टीम के द्वारा जो है 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से जो है जो चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया और जो बरामद सामान है उसकी कीमत 8,00,000 रुपये के आसपास। एक अभियुक्त है गौरव, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी चोरी घटना को अंजाम दे।
तो वहीं डोईवाला थाना क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन के विवाद में कार सवार पांच युवकों ने हवा में फायरिंग की है। फायरिंग होने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। आसपास के लोग दहशत में हैं। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपाली फार्म के निकट कार सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें आसानी से देखा जा रहा है कि कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर एक युवक हवा में फायरिंग कर रहा है। ये फायरिंग जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष को डराने के लिए की गई। जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि फायरिंग करने वाले पांचों युवकों के खिलाफ डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई और जांच शुरू कर दी। गिरफ्तार हुए सभी आरोपी रायसी खानपुर जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश से बाहर व्यक्तियों के भू उपयोग उल्लंघन मामले पर सीएम धामी के कड़े तेवरों के बाद देहरादून जिला प्रशासन की भू उपयोग उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। जिला देहरादून में भू उपयोग उल्लंघन के 391 मामलों में से 281 पर धारा 166/167 के अंतर्गत नोटिस जारी कर हुई प्राथमिकी दर्ज। कृषि, बागवानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसाय के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की थी क्रय। तो बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश से बाहर व्यक्तियों के भू उपयोग उल्लंघन मामले पर सीएम धामी के कड़े तेवरों के बाद अब देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भू उपयोग उल्लंघन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला देहरादून में भू उपयोग उल्लंघन के 391 मामले दर्ज किए गए हैं। 391 मामले में से 281 पर धारा 166/167 के अंतर्गत नोटिस जारी कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कृषि, बागवानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसाय के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की थी क्रय। देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भू उपयोग उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है। आपको बता दें, प्रदेश से बाहर व्यक्तियों के भू उपयोग उल्लंघन मामले पर सीएम धामी के कड़े तेवरों के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। भू उपयोग उल्लंघन के मामले में देहरादून जिला में 391 मामले दर्ज किए गए हैं। 391 मामले में से 281 पर धारा 166/167 के अंतर्गत नोटिस जारी हुए हैं और प्राथमिकी दर्ज की गई है। कृषि, बागवानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसाय के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि विक्रय की गई थी। तो लगातार जिस तरह से भू उपयोग उल्लंघन किया जा रहा है, उसे लेकर अब जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम धामी के कड़े तेवरों के बाद अब जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटा है। जिला देहरादून में भू उपयोग उल्लंघन के 391 मामले दर्ज। 391 मामले में से 281 पर धारा 166/167 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है भू उपयोग उल्लंघन मामले को लेकर, अब एक्शन मोड में लगातार जिला प्रशासन नजर आ रहा है। साफ है सीएम धामी जिस तरह से कड़ा रुख उन्होंने अपनाया, उसके बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही है संदीप, मैं अगर आपको बताऊं तो भू उल्लंघन के मामले काफी निकल के आ रहे थे और लगातार अगर हम कहें तो सख्त भू कानून की यहाँ पर मांग लगातार उठ रही है। आंदोलन चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं। तो खुद आ गए हैं तो लगभग एक महीने पहले सीएम धामी खुद सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जो भू कानून बनाया गया बाहर के राज्यों के व्यक्तियों के लिए जो बाहर राज्य में रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ। उन्होंने सभी आदेश दिए थे कि जितने भी मामले हैं पूरे उत्तराखंड में जो उल्लंघन के मामले पाए गए हैं उनकी जांच कराई जा रही है, और जब मामले जितने भी जांच में सही पाए जाएंगे, जो उल्लंघन के मामले सही पाए जाएंगे, तो उनकी जमीन जो है वो सरकार में निहित की जाएगी। तो इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि आप अपने अपने जिले में देखें कितने मामले भू कानून के हैं, उनकी सबकी विस्तृत जानकारी लें। तो चंपावत और रुद्रप्रयाग ऐसे दो जिले थे जहां पर ये मामले नहीं निकल के आए थे, लेकिन 11 जिले जो हैं वहां पर ये निकल के आए थे। अब धीरे धीरे सभी जगह कार्रवाई जारी है। अब हम देहरादून की बात करें, राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर भी 381 मामले निकल के आया और 281 मामले
पर यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनसे पूछा गया है कि आपने भू उपयोग का जो उल्लंघन किया है उससे जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद जब ये निरंतर कार्रवाई चलेगी, जब इसमें सारी चीजें निकल के आएंगी तो अब यही देखना है कितने लोगों की भूमि है जिन्होंने उपयोग का उल्लंघन किया है और कितनी सरकार में नियत होती है इसको लेकर। अब राजधानी में ये देखना हो कितने मामले सामने तो आ गए हैं, अब कितने लोग ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे पाएंगे, जो सरकार को सेटिस्फाइड नहीं कराएंगे, जो भू कानून का उल्लंघन माना जाएगा, अब कितने लोगों की सरकार जो है वो जमीनें जो है वो निहित करती है। कमल, अगर जानना चाहें आसान भाषा में तो भू उपयोग उल्लंघन आखिर ये कानून क्या कहता है, किन लोगों पर इसके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, कार्रवाई की जाती है और क्या ये भू उपयोग कानून जो है वो सिर्फ राज्य से बाहर वाले ऐसे लोगों पर है जो व्यावसायिक गतिविधियों का अंजाम देते हैं या फिर जो राज्य के अंदर के लोग हैं उन पर भी ये उल्लंघन को लेकर इस तरह इस पर कार्रवाई की जाती है? हाँ बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कानून यहाँ पर बनाया गया था पिछली सरकारों में यहाँ पर और उसका ये किया गया था जो बाहर राज्य के लोग हैं जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है जो अन्य राज्यों में रहते हैं वो अगर यहाँ पर जमीन खरीदेंगे तो 250 वर्ग मीटर एक परिवार खरीद सकता है और जब वो खरीदेंगे तो उनको बताना होगा जो ये जमीन यहाँ खरीद रहे हैं उसका क्या उपयोग करेंगे। तो अब वही मामले निकल के आए थे, निकल के ये जानकारी आई है कि एक परिवार जब एक खरीद सकता है तो उन्होंने कहीं एक ही परिवार वालों ने कहीं 250 का खरीद कई भूमियां खरीद ली हैं और वो संयुक्त रूप से उस पर अन्य व्यापार कर रहे हैं। तो ये शिकायतें मिली थी और उस वक्त ये देखा जा रहा है कि जिसकी किसने किस परिवार ने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन ली है और जो उसने बिल्कुल बिल्कुल कमल लगातार प्रशासन की यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।